अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पार्ट, और इसमें एग्जाम्पल कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। तो जो पहला ही टॉपिक है एनसीईआरटी में, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, ये क्या होता है, तो पहले इस पर फोकस करेंगे। ये एनसीईआरटी ने बाद में डिस्कस किया, 6.2 में ही है, लेकिन पहले इसको समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। अगर कोई भी एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन ये है, ठीक है डियर, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मान लो कोई एक ऐसी लाइन जो तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करती डिफरेंट पॉइंट्स पे, मतलब इसको इस वाले पॉइंट पे गया, इसको इस वाले पॉइंट पे गया, इसको इस वाले पॉइंट पे गया, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है? सेम पॉइंट पे कैसे कर सकती है, ये कह रहे हैं डिफरेंट पॉइंट, ये पॉइंट ए अलग पॉइंट है, बी अलग पॉइंट है, सी अलग, अब एक पॉइंट पे ही कट करेगी तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। अगर मैंने कहा कि इस लाइन को और इस लाइन को एक पॉइंट पे ही कट करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, तभी तो हो सकता है ना ऐसा पॉसिबल। तो मतलब एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट पर, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से देखते हैं, तो ये तो इसके बारे में मैं पता लग गया कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। अब देखिए, अगर एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है, देखने से ही पता लग रहा है कि लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है जी, ये मान लो ए बी और ये हमारे पास सी डी। अब एक लाइन ने इसको ये इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी, कौन सी, ई एफ, ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो कितने एंगल्स बने, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इतने सारे एंगल्स बन गए हमारे भैया। अच्छा आप सुनो, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एंगल 1 है, एंगल 2 है और हमारे पास एंगल 7 है और एंगल 8 है। देखो 1, 2, 7, 8, इस टाइप के एंगल्स को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये देखो बाहर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है, और एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये कैसे हैं, इंटीरियर हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल हो गए। अब आता है इसमें कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक एक करके समझेंगे बड़े प्यार से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पहले हिंदी समझो, करस्पॉन्डिंग हिंदी, तो एक जैसे ही जो काम इधर हो रहा है वही काम अगर उस तरफ हो रहा है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल टू किसका करस्पॉन्डेंस, एक एक करके बताएंगे आपको प्यार से कि एंगल टू किसका करस्पॉन्डेंस, तो देखो कैसे देखते हैं एंगल टू का करस्पॉन्डेंस। अब देखो एंगल टू इस लाइन के ऊपर है, रेड वाली लाइन के ऊपर है एंगल, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो भी इस लाइन के ऊपर वाले से होगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर तो दो एंगल हैं, एक 5 है और एक 6 है। बात को समझो यार, मैंने आपसे कहा कि एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, तो ये देखो ये इस लाइन के ऊपर है तो इसका करस्पॉन्डेंस भी इस लाइन के ऊपर होगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर तो दो एंगल है 5 और 6, अब कौन सा होगा। तो अब देखो एंगल 2 इस लाइन के इस तरफ है तो इसका करस्पॉन्डेंस भी इस तरफ होगा, तो किसका होगा, एंगल 2 का करस्पॉन्डेंस क्या होगा, एंगल 6। और ये बराबर नहीं होंगे, वो आगे पढ़ेंगे, ये बराबर तभी होंगे जब लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एंगल 2 का करस्पॉन्डेंस क्या होगा, एंगल 6। अब मैं ऐसे एट रैंडम एक एंगल लेता हूं, चलो मैंने कहा एंगल 5 का करस्पॉन्डेंस एंगल बताओ। अब देखो जरा, जो हमारे पास एंगल 5 है वो इस लाइन के ऊपर है, इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा वो भी इस लाइन में क्या होगा, ऊपर होगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर दो एंगल है 1 और 2, 1 और 2, तो ये इस लाइन के इस तरफ है तो इसका करस्पॉन्डेंस भी इस तरफ होगा। यस और नो, कोई डाउट है तो बताइए। तो ऐसे ही किसी भी एंगल, चलो अभी मैं कहता हूँ चलो यार एंगल 6 का, एंगल 5 का भी हो गया, एंगल 4 का बताओ यार करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। तो अब देखो दो लाइन है ये और ये, अब समझते हैं कैसे, एंगल 4 रेड वाली लाइन के नीचे है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा वो भी इस वाली लाइन के नीचे होगा, लेकिन इस वाली लाइन के नीचे तो दो एंगल है 7 और 8। अब देखेंगे ये एंगल 4 है, ब्लैक वाली लाइन के इस तरफ है तो इस बार इस तरफ तो क्या 8 है ना, तो एंगल 4 का करस्पॉन्डेंस क्या होगा,
एट होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल निकालते हैं। फिर उसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल। क्या आता है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स देखो क्या होते हैं। अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है? एक इस तरफ दूसरा अपोजिट एकदम। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार स्कूल अभी लॉकडाउन है, अल्टरनेट डे पर चल रहे, मतलब मंडे है फिर ट्यूसडे ऑफ फिर वेनेसडे आपको आना, अल्टरनेट एक को छोड़कर। अगर मैं आपसे पूछता हूं यार कि एंगल वन का अल्टरनेट बताओ, तो देखिए एंगल वन का, अब देखो कैसे करेंगे। एंगल वन इस लाइन के ऊपर है तो इसका जो अल्टरनेट होगा इस लाइन के नीचे होगा, उल्टा एकदम। एंगल वन रेड लाइन के ऊपर है, इसका जो अल्टरनेट होगा इस लाइन के नीचे होगा, लेकिन इस तरफ तो दो एंगल आ रहे हैं, सेवन और एट। अच्छा, अब ये ब्लैक वाइट लाइन के इस तरफ है तो इसका अल्टरनेट इस तरफ होगा, मतलब एंगल वन का अल्टरनेट क्या होगा? एंगल सेवन, मतलब करस्पॉन्डिंग का जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है जी। अच्छा, फिर ऐसे ही लेते वाले एंगल फाइव। एंगल फाइव का अल्टरनेट देखो, एंगल फाइव इस लाइन के ऊपर है तो इधर इसका अल्टरनेट इस लाइन के नीचे होगा, तो इस लाइन के नीचे तीन दो एंगल है, थ्री और फोर। अच्छा, अब ये जो एंगल फाइव है इस लाइन के इस तरफ था तो इसका अल्टरनेट इस तरफ होगा, किसके बराबर होगा? थ्री के बराबर होगा। अच्छा, किसी किसी बुक में अल्टरनेट एंगल्स को दो तरीके से दिखा दिया जाता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर। जो लाइन के ऊपर होते हैं वो एक्सटीरियर होते हैं, जैसे वन और सेवन। इसको कायदे में हम ये भी बोल सकते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और इसको बोल सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा जी, अल्टरनेट हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। अच्छा, अब एक और आता है नाम इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑन अ सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये क्या झमेला देखते हैं। कह रहे इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन ये रही, अब इसके तक कितने एंगल बने? टू थ्री सिक्स सेवन, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? इंटीरियर की, तो थ्री और सिक्स ही तो हुए, पक्की बात है। तो ये थ्री और सिक्स, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स, या फिर फोर और फाइव, क्योंकि फोर और फाइव को भी लेंगे वो भी इंटीरियर है, इधर और इधर। तो इस इन दो एंगल को और इन दो एंगल अलग अलग क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। इनके और भी नाम है, देखो इन दो ट्रायंगल का नाम क्या क्या है। देखो थ्री और फोर को, थ्री और सिक्स को हम क्या क्या बोल सकते, ध्यान से सुनना जरा। एक नाम तो है इनका कंजुकेटिव, कंजुकेटिव एंगल्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनका दूसरा नाम है को इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा नाम है एलाइड, ALLIED, एलाइड एंगल के नाम से भी जाना जाता है। एलाइड मीन्स होता है रिलेटेड, अगर मैं थोड़ी उसकी बात करूं नॉर्मल इंग्लिश की, तो इसका नाम होता है रिलेटेड। तीनों नाम से जाना जाता है, कंजुकेटिव एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल। तीनों में से कुछ भी नाम अगर मैं बोलूं तो आपको समझ जाना है कि ये मैं किस एंगल की बात करूं, मतलब ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के या तो इस तरफ है लेकिन इंटीरियर हो, ठीक है। तो ये तीन ही टाइप के एंगल्स हम लोग पढ़ेंगे पूरे 6.2 में, क्या क्या? करस्पॉन्डेंस, अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। इनके ये तीन नाम और हैं, ठीक है जी। अब लेकिन ये जो दो लाइन थी ये आपस में पैरेलल नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे जब जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ये दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, उस केस में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अब देखेंगे कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना वो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। अब इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब एक लाइन कट कर रही है इस तरीके से, इस लाइन का नाम L दे दिया, इसका नाम M दे दिया, और ऐसे भी नाम दे सकते हैं, मैंने बताया स्मॉल लेटर से लेकिन देते हैं, तो ये M, ये L, कुछ भी दे दो नाम ही देना। चलिए अब ये दो लाइन पैरेलल है ऐसा हमको पता है, तो अब सुनो जरा ध्यान से, ये वन एंगल, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव सिक्स सेवन एट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं
कि भैया एंगल वन का करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होगा। तो देखो एंगल वन लाइन के इस तरफ है तो इस तरफ होगा, लाइन के ऊपर है तो 5 हो जाएगा, तो एंगल वन का करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होगा 5। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसका यूज करेंगे। तो एंगल वन बराबर किसके होगा एंगल 5 के, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डेंस एंगल। लेकिन तभी ये इक्वल होंगे जब ये लाइन पैरेलल होंगे। इससे पहले जो जो डायग्राम था उसमें लाइन पैरेलल नहीं थी तो ये इक्वल नहीं थे। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ एंगल 3 का करस्पॉन्डेंस देखता हूँ तो एंगल 7 होगा, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग। अभी इनका प्रूफ भी बताऊंगा क्योंकि हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अच्छा अब मैं अल्टरनेट की बात करता हूँ। चलो एंगल वन, एंगल वन लाइन के इस तरफ है तो इसका अल्टरनेट 6 होगा, तो एंगल वन किसके इक्वल होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों? एंगल वन लाइन के इस तरफ है, इसका अल्टरनेट इस तरफ होगा, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है तो इसका लाइन के नीचे होगा, यार 7 होगा भाई, 7 होगा। तो एंगल वन का अल्टरनेट क्या होगा एंगल 7। ऐसे और किसी को ले लो, एंगल 3 को ले लो, एंगल 3 लाइन के नीचे इसका लाइन के ऊपर होगा 5, तो ये इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? ऐसे ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसको क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स या उनको कंजिक्यूटिव एंगल्स और अलाइड एंगल। ठीक है, ये क्या एंगल होते थे जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ होते थे, मतलब 3 और 6। तो याद रखना कि एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। या फिर एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं कोइंटीरियर। और याद आ रहा होगा छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मान लो ये पैरेललोग्राम होता था तो हम लोग कहते थे इनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन को कट कर रही है बीच में, तो ये बन गए ना कोइंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से अब प्रूफ भी देखेंगे इनका कि अभी तो यार मैंने केवल इतना बताया है कि बराबर होते हैं, प्रूफ भी तो बताओ सर, क्योंकि नॉलेज के लिए तो भैया आपको आना चाहिए। किसी भी स्कूल में नंबर में तो खैर नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए ये मतलब प्रूफ करो ये। तो देखो तो इसके लिए आपने चैप्टर 5 पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं एग्जॉम्स होते हैं, जिसको एग्जॉम्स का मीन्स होता है सेल्फ प्रूफ, जिसको हम लोग खुद प्रूफ करते हैं, उसका कोई प्रूफ निकाल नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि भैया ये लाइन है और ये लाइन है, बताओ कौन सी लाइन बड़ी है, तो नीचे वाली लाइन बड़ी है, इसका प्रूफ नहीं है, आप मेज़र करके ही बताएंगे। जैसे मैंने कहा ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो पक्की बात है कि ए बराबर सी होगा, इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका प्रूफ नहीं है लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कुछ प्रूफ्स ऐसे होते हैं जिनको हम केवल अपने माइंड से समझकर बोल देते हैं यार ऐसा सही है, लेकिन कोई का प्रूफ करो तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप एग्जाम्पल लेकर केवल समझा सकते हो ऐसा। ठीक, जैसे मैंने कहा कि भैया 4 बराबर 4 है, समझना बात को ध्यान से, और मैंने कहा भैया 4 बराबर 3+1 के है, तो क्या ये 4 बराबर 3+1 के नहीं होगा, पक्की बात है भाई ये। तो करस्पॉन्डेंस एंगल जो होते हैं ये इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एग्जॉम्स से, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एग्जॉम्स। मतलब ऐसा उन्होंने जब कई बार ऐसा जब दो पैरेलल लाइंस ली और ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो उन्होंने मेजर किया हर केस में कि यार ये एंगल बराबर आ रहे हैं, ये एंगल बराबर, इसका प्रूफ नहीं है, ये एग्जॉम्स है, मतलब हमने खुद से प्रूफ किया ये, मतलब एंगल बार बार मेजर या कई सारे एग्जाम्पल लिए, फिर बाद में हमने कहा यार ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये इक्वल आएगा। ठीक है जी, अब आता है अल्टरनेट वाला, उसका प्रूफ फिर है कि अल्टरनेट वाला। अब हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 3 का अल्टरनेट क्या होगा एंगल 5 होगा, हमको ये प्रूफ करना है। चलो इसको ले लो 4 और 5, किसी को भी ले लो, 4 और 6 भी तो अल्टरनेट है, हमको यार ये प्रूफ करना है कि 4 और 6 हमारे क्या है, 4 और 6 हमारे क्या है, ये अल्टरनेट है, पक्की बात है। अब सुनो प्रूफ देखो, क्या एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा? बिल्कुल होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, यस और नो, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा नहीं होगा? अच्छा एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा, करस्पॉन्डेंस, देखो ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, क्योंकि
क्या है ये करस्पॉ, अब देखो 2 बराबर 4 के है, 2 बराबर 6 के है, तो क्या ही बराबर नहीं होंगे, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 के। इस तरीके से अल्टरनेट का प्रूफ दिखा सकते हैं। अच्छा जी, और मैंने कहा था कि इनका सम 180 होता है, उसका उसका प्रूफ देख लो। एक बात बताइए, क्या एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 होगा? पक्की बात है होगा। अच्छा, एंगल 4 किसके इक्वल है? अल्टरनेट से, तो बस एंगल 4 की जगह एंगल 6 रख दो, हो गया 180। तो मतलब कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ भी कर लिया छोटे, बस करस्पॉन्डेंस वाला को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एक्सियोम। अच्छा, अब देखो जितने हमने प्रूफ करे इनका कन्वर्स देखो, कन्वर्स मतलब एकदम उल्टा। अब उसको समझो क्या, अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा नहीं बताया गया, कह रहे प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ऐसे केस में अगर 2 बराबर 6 के दिखा दिया, मतलब करस्पॉन्डेंस है, आपने आपने दिखा दिया कि एंगल कैसे भी जुगाड़ करके कि एंगल 2 बराबर 6 है, मतलब एंगल 2 बराबर 6 तभी होगा जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। अगर आपने दिखा दिया एंगल 4 बराबर एंगल 6, अगर ऐसा है तो पक्की बात है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। कभी भी आपसे पूछा जाए ना यार प्रूफ करो कि ये लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग कोई सा भी एक करस्पॉन्डेंस एंगल, कोई सा भी एक अल्टरनेट एंगल, या इनका सम 180 दिखा देना, कुछ भी कर देना, ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर और अल्टरनेट एंगल तभी बराबर होते हैं जब वो दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, और इनका सम 180 तभी होता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। बस ये छोटी सी बात है, ये पूरा इंट्रो पार्ट हो गया। अब इसी वीडियो में एग्जांपल भी बता देते हैं, इसके 2-3 एग्जांपल हैं, उसको भी करा देते हैं। चलिए एग्जांपल 4 देखते हैं। इस ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं ऐसा बोला गया है, ये एंगल गिवन है, कह रहे हैं एक्स एम वाई, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अच्छा, अब दिमाग में ऐसा मत लाना कि ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल 40 हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ थोड़ी ना की हमने, ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो अब देखो यार जुगाड़बाजी करेंगे इसमें, कैसे जुगाड़बाजी करेंगे, देखो ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, एक एम पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू। अब आप कहेंगे क्यों, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ में कोई भी चीज़ रटते नहीं, समझते हैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, मान लो एल। अच्छा, ये लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट किया, इसके पैरेलल है, तो पक्की बात है इसके भी होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। अब देखो जितना पड़ा उसका यूज होगा, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। और अगर देखा जाए क्या ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, क्यों, लाइन को तो आगे बढ़ा सकते हैं, क्या ये लाइन इस इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो क्या इन दोनों का सम 180 होगा? अभी पढ़ा है ना हमने कि लाइन के इस तरफ जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 135 है तो ये 45 हो जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे, क्यों, समझो ना यार। देखो ये दो लाइन है ऐसे कट करे, क्या इनका सम 180 नहीं है, को इंटीरियर से, ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये 40 है, तो क्या ये 40 नहीं होगा अल्टरनेट से, ये लाइन के इस तरफ है, ये इस तरफ है, क्या ये अल्टरनेट नहीं होगा, यस और नो, बस कायदे ने देखा आंसर आ गया, इनको ऐड कर दो, 85 आ गया। लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा, आप देखो यार, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया भैया, कंस्ट्रक्ट किया एल पैरेलल टू पी क्यू, अगर पी क्यू की पैरेलल तो आर एस के ही पैरेलल होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, पता है क्या, इधर एक नाम दे देंगे, इधर कोई इसका मान लो ये लाइन है एल, इधर कोई नाम दे देंगे, ए दे दिया, चलो इधर है, चलिए अब देखो हम क्या लिखेंगे कि एम एक्स क्यू प्लस एक्स एम ए, इनका सम 180 होगा, क्यों होगा, को इंटीरियर से, क्लियर है, क्योंकि समझो ना ये लाइन है ट्रांसवर्सल, ये दोनों है पैरेलल, तो इनका सम 180 होगा, अभी पढ़ा यार हमने, तो बस ये वैल्यू कितनी है, 135, तो ये तो जाके माइनस हो जाएगा, एक्स एम ए कितना हो गया, 180 माइनस 135 मतलब 45 डिग्री। ऐसे ही ये जो एंगल 40 है, 40 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, एंगल वाई एम ए के, क्यों, अल्टरनेट से, यस और नो, हमको फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, तो ये 45 प्लस 40 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा हमारे पास, 85 निकल के आ जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप बताइए कि हाँ सर ये डाउट हो रहा है, बताओ, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट इसमें होगा, सिंपल है। चलिए अच्छा, एग्जाम्पल 5, इसको बहुत ही देसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सिंपल तरीके से,
क्या कह रहे हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसे इंटरसेक्ट किया टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। देखो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है क्या इसके बराबर नहीं होगा करस्पॉन्डेंस से? कह रहे हैं इनका जो बाइसेक्ट किया ये, तो ये दो लाइन है ये पैरेलल है ऐसा दिखाना है आपको। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है बी ई पैरेलल टू सी जी। चलिए भैया देखते हैं, एक बात सुनो जरा। हमको होता है ए बी क्यू और बी सी एस बराबर है, करस्पॉन्डेंस एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ए बी क्यू मान लीजिए एंगल एक्स है, तो यार पक्की बात है कि बी सी एस भी एंगल एक्स होगा करस्पॉन्डेंस एंगल से, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एक्स एंगल को बीचों बीच से काट रही है, तो ये एक्स वाई टू और ये भी एक्स वाई टू, फिर ये भी एक्स वाई टू और ये भी एक्स वाई टू। समझाने के लिए आपको तो एक बात सुनो, क्या अगर ऐसा हो गया ना तो मैं यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ एंगल ए बी ई और जो एंगल ई बी क्यू है ये बराबर होंगे और ये एक्स वाई टू हो जाएंगे। सही बात है क्योंकि हाफ है ना एकदम बीचों बीच से, मतलब ये पूरा एंगल एक्स है और ये ना उसके बीचों बीच से जा रहे हो तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही बी सी जी और जी सी एस भी एंगल एक्स बाई टू होगा, ये सारे एंगल बराबर होंगे। अब एक बात सुनो यहाँ से तो क्या ये भी एंगल एक्स बाई टू है और ये भी एंगल एक्स बाई टू है, बात समझो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी ई बराबर है बी सी जी के, ये भी एंगल एक्स बाई टू, क्लियर है। अच्छा अगर ये दोनों, अब मैं इसको डायग्राम को थोड़ा अलग से बनाता हूँ। देखो ये बी ई, ये देखो हमारे पास बी ई है, समझते चलना, ये हमारे पास सी जी है और ये लाइन इस तरीके से जा रही है, यही तो एंगल एक्स बाई टू है और ये एंगल, क्या ये एंगल दो दो बराबर नहीं है ऐसा हमने हमने दिखा दिया, और ये दो एंगल क्या करस्पॉन्डेंस नहीं है? क्या ये दोनों एंगल करस्पॉन्डेंस नहीं है? इस लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर है करस्पॉन्डेंस, और ये बराबर है। जब करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर होते हैं, ये तभी बराबर होंगे जब ये दो लाइन आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ करस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, लिख लेना आर इक्वल, सो बी ई पैरेलल होगी सी जी के, क्योंकि देखो ये करस्पॉन्डेंस एंगल है, क्यों ये अगर इसको आगे बढ़ा लो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसने इन दोनों को कट किया है और ये एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डेंस एंगल ही तो होते हैं इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर इस लाइन की इस तरफ, और इक्वल भी है। करस्पॉन्डेंस एंगल जब इक्वल होते हैं तो समझ लो ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, ये वाली लाइन। बस यही प्रूफ करना था, समझो क्वेश्चन को, उसके कंसेप्ट को आप समझो बस, क्लियर है? कोई सा भी डाउट आका सारा है तो बताओ, ये मैं लैड कर लिया एनसीईआरटी की तरह, नहीं हम अपना देसी तरीके सॉल्व करेंगे सिंपल सा हमको लगता है देखकर, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यार ये एंगल लाइन, ये तीनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, सुनो ध्यान से, ये एंगल 90 दिया गया, फिर कह रहे हैं एक्स वाई जेड फाइंड करो। एक बात सुनो जरा, अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये रेड लाइट है, रेड लाइन है, ये एंगल 90 है, तो क्या ये 90 नहीं होगा? क्यों? को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 90 है और ये 90 होगा तभी इनका सम 180 होगा, तो पक्की बात है कि ये पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल जेड एंगल 55 डिग्री इक्वल टू 180, सही बात है, सॉरी नाइन क्या कर रहा हूँ 90, क्यों 90 होगा? क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो ये होंगे को इंटीरियर। तो बस एंगल जेड कितना आ गया, 90 से 55 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 35, फिर कह रहे हैं एक्स वाई जेड बात। अच्छा देखो ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, इन दो को बनाता हूँ, और ये एंगल 55 है और ये वाई है, क्या इनका सम 180 नहीं होगा? ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो को इंटीरियर से इनका सम 180 नहीं होगा, होगा ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखे, एंगल वाई प्लस 55 इनका सम कितना होगा 180, तो ये क्या होंगे 180 से माइनस कर देंगे 55, 125, और जो 125 होगा वही एंगल एक्स होगा, क्योंकि एंगल एक्स बराबर वाई है करस्पॉन्डेंस। देखो जरा कैसे ये दो लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, ये कट कर रही है, तो क्या ये करस्पॉन्डेंस नहीं हो गए? तो वही हमारा। तो इस तरीके से 6.2 का इंट्रो पार्ट कर लिया दवा के।
और भैया हम लोगों ने एक एक एग्जाम्पल कर लिया, एक्सरसाइज पर जाएंगे, बस कंसेप्ट समझते चलो को इंटीरियर के, करस्पॉन्डेंस के चैप्टर में कुछ ना तुम्हारे।